उत्पादन प्रक्रिया ठप सी हो जाती है तो बहसोत्पादन के जरिए अर्थव्यवस्था को गति दी जाती है। यानी बहसोत्पादन एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था का नाम। अब बैंकिंग परिस्थिति को भी अगर आप देखेंगे तो शायद ऐसी ही परिस्थिति आ रही है कि चोर को ही कोतवाल बना दीजिए, उसी का फंड का कंट्रीब्यूट करेगा। नहीं, आप आंकड़ा नहीं बताते, ये गोल गोल घुमाने लगते हैं, फिर नौकरी में पकौड़ा तलना पान बनाना भी जोड़ देंगे। कि हमने जहां थे वहां आगे बढ़ना पाना एक बात है, लेकिन हम जहां थे वहां से भी गिरते चले गए हैं। देश में अक्सर कई मुद्दे सुर्खियां बटोरते हैं, पर कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जो इन सुर्खियों के बीच में ही दब जाते हैं या फिर जानबूझकर दबा दिए जाते हैं। देश के अंदरूनी हालात पर तो बात नहीं हो पाती, पर लव जिहाद जैसे मुद्दे पर खूब चर्चा होगी। देश में बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था के क्या हालात हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले आप मोदी जी का एक बयान सुनिए जो है तो पुराना, जब वह यूपीए सरकार पर बोला करते थे, पर अगर आप उसे आज के समय से तोलना चाहें तो आप वे भी कर सकते हैं। It's not simply a fiscal deficit. Governance में deficit है, democratic institutions में जो एक vibrancy चाहिए उसमें deficit है, trust deficit है, moral deficit है, और business के लिए जो ease environment चाहिए, ease environment, वो भी deficit है, security deficit है। यानी एक जगह पे गाड़ी अटकी नहीं है, हमने यहां ला करके खड़ा कर दिया है कि हमने जहां थे वहां आगे बढ़ना पाना एक बात है, लेकिन हम जहां थे वहां से भी गिरते चले गए हैं। आज एक एक करके कुछ अहम मुद्दों के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था गिरने से देश में मंदी का माहौल बन जाता है, जिसका असर आम आदमी की जिंदगी से ताल्लुक रखता है। कुछ महीने पहले क्वार्टर की जीडीपी का आंकड़ा सामने आया था, जिसमें भारत की जीडीपी नेगेटिव 23.9% तक पहुंच गई थी। अब नए आंकड़े क्या होंगे ये भी जान लीजिए। अगर स्क्रॉल की खबर की माने तो आईएमएफ ने कह दिया है कि ईयर 2020-21 में भारत की जीडीपी -10.3% रहेगी। द हिंदू की खबर की माने तो आरबीआई ने भी कह दिया है कि इस बार जीडीपी दर -9.5% हो सकता है। दूसरी तरफ देश में महंगाई भी बढ़ती जा रही है। अक्टूबर में महंगाई दर 7.61% थी। इसके बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम भी काफी बढ़ चुके हैं। पेट्रोल के दाम लगभग हर प्रदेश में 80 के पार जा चुके हैं। इसके अलावा सरकार एक एक कर पीएसयू को प्राइवेट हाथों को बेचने की तैयारी भी कर रही है। एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, अब रेलवे को भी सरकार प्राइवेट करने जा रही है। इन सब बातों से आम जनता पर कितना बोझ पड़ेगा, ये सब को छुपाने के लिए सरकार एक नया मुद्दा खोज लाएगी। इस पर अधिक जानकारी रवीश कुमार ने अपने शो में दी है। क्या आपने बहसोत्पादन के बारे में सुना है? बहसोत्पादन एक नई अर्थव्यवस्था का नाम है, जब अर्थव्यवस्था के मौजूदा सिद्धांतों के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया ठप सी हो जाती है तो बहसोत्पादन के जरिए अर्थव्यवस्था को गति दी जाती है। यानी बहसोत्पादन एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था का नाम। इसकी खोज किसी ने जानबूझकर नहीं की, बल्कि अपने आप हो। इसके तहत हफ्ते या महीने के हिसाब से टॉपिक पैदा की जाती है, उस टॉपिक की खुदाई शुरू होती है और न्यूज चैनलों पर प्रवक्ता बुलाकर टाइम काटा जाता है। इस पूरे काम की एक अर्थव्यवस्था है। बेहद कम निवेश में बहस के नाम पर पत्रकारिता हो जाती है और देश की अर्थव्यवस्था पर पर्दा भी डल जाता है। मिसाल के तौर पर लव जिहाद का टॉपिक हो या अब अखंड भारत का टॉपिक, बहसोत्पादन की प्रक्रिया जारी है। अगर हम सकल घरेलू उत्पाद की जगह सकल घरेलू बहसोत्पाद की गणना करें तो भारत की जीडीपी -23 से सीधे +50 हो जाएगी। अब बात करते हैं बैंकों को लेकर। बैंक आम इंसान के लिए इतना जरूरी होता है क्योंकि वह अपनी सारी पूंजी सुरक्षित रखने के लिए बैंक में ही जमा करवाता है। अगर पता चले कि वह बैंक ही डूबते जा रहे हैं तो। पिछले कुछ समय से बैंकिंग सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। कुछ महीनों पहले सरकार ने 27 पब्लिक सेक्टर को 12 में तब्दील करने को कहा था। इसके अलावा पीएमसी बैंक के साथ क्या हुआ ये तो सबने देखा। इसके बाद लोगों ने अपने पैसे लेने के लिए विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन कुछ भी नहीं बना। इसके बाद जब यस बैंक भी डूबी तब आरबीआई ने इसमें धकल दिया और इसको बचाया। बैंक सिस्टम को लेकर वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने शो में अधिक जानकारी दी है।
यह भी एक अनूठी सोच है। कमोवेश भारत के भीतर में राजनीतिक सत्ता से लेकर अब बैंकिंग परिस्थिति को भी अगर आप देखेंगे तो शायद ऐसी ही परिस्थिति आ रही है कि चोर को ही कोतवाल बना दीजिए। रिजर्व बैंक चाह रहा है और रिजर्व बैंक के भीतर एक्सपर्ट कमेटी है, उसने यह सोचा है कि अगर कॉरपोरेट हाउस और बड़े औद्योगिक घराने जो हैं वो बैंकों को प्रमोट करें, बैंकों को अपने तौर पर खोलें, तो फिर शायद इससे बैंकिंग प्रणाली ठीक हो सकती है। ये एक अजीबोगरीब स्थिति है। यह ठीक वैसी ही स्थिति है जिसमें अपने आप तय करना है कि हमको कितना पैसा करप्शन के तौर पर उगाही कर लेनी है। और मौजूदा वक्त में एक लंबी फेरिस्त है बैंकों की। जब आप देखेंगे एक से एक बैंक, चाहे आपके जहन में इस बात का जिक्र होगा कि पीएनबी से, पंजाब नेशनल बैंक से नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने लगभग 11,356 करोड़ रुपए की जो उगाही की थी वो कैसे कर ली थी। इसके बाद अब बात करते हैं बेरोजगारी की, जो आज के युवा के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसको लेकर स्टूडेंट्स ने प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे पर ताली थाली बजाकर विरोध प्रकट भी किया था। इसके बाद भी सरकार कोई ऐसी स्कीम नहीं लाई है जिससे बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल सके। एम्प्लॉयमेंट रेट अक्टूबर में गिरकर 37.8% आ चुकी है, जो 40% से ऊपर चल रहा था। इसके अलावा लॉकडाउन में काफी नौकरियां भी खोई हैं। लॉकडाउन में नौकरियां गई, इसके बाद मनरेगा ही एक सहारा था जिससे मजदूर काम कर अपना घर चला रहे थे, लेकिन इसमें भी मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने एक खबर को ट्वीट किया है। खबर थी कि मनरेगा मजदूरों को अपनी दिहाड़ी के लिए लगाने पड़ रहे हैं बैंकों के चक्कर। इस पर राहुल गांधी ने लिखा, पहले किया तुगलकी लॉकडाउन, करोड़ों मजदूरों को सड़क पर ले आए, फिर उनके एकमात्र सहारा मनरेगा की कमाई को बैंक से निकालना धूभर किया। सिर्फ बातों की है मोदी सरकार, कुचल रही है गरीबों का अधिकार। नौकरियों का मुद्दा अक्सर रवीश तो उठाते ही हैं, पर न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार ने भी ये मुद्दा उठाया और बीजेपी नेता से इस पर तीखे सवाल भी किए। जब आप ईएसआईसी में कोई कंट्रीब्यूट करना प्रारंभ करेगा तो स्वाभाविक तौर पर जिसको नौकरी देगा उसी को कंट्रीब्यूट करेगा, उसी का फंड कम कंट्रीब्यूट करेगा। नहीं, आप आंकड़ा नहीं बताते, ये गोल गोल घुमाने लगते हैं। नौकरी की बात होगी, आप मुद्रा लोन की बात करने लगेंगे, आप ईपीएफओ की बात करने लगेंगे, फिर नौकरी में पकौड़ा तलना पान बनाना भी जोड़ देंगे। आंकड़े नहीं देते प्रेम भाई आप। नहीं आंकड़े तो, लेकिन जिसको रोजगार मिला उसको काम रहा है ना। अच्छा, देखिए आंकड़ों के खेल में तो बहुत सारे कागजी आंकड़ों में तो भारत जो है बहुत सारा कल्याण हो गया था। अच्छा। लेकिन एक्चुअल आंकड़े थे कि आज भी अगर आपको 80 करोड़ लोगों को यदि आपको राशन सुनिश्चित करना पड़ता हो इस देश में, तो इसका मतलब गरीबी नहीं हटी ना। 1971 से जो गरीबी हटा रहे हैं। बहुत अच्छी बात की आपने, माना कि देश में गरीबी नहीं हटी। 132 करोड़ में से 80 करोड़ लोग गरीब हैं, आप ये कह रहे हैं, मतलब 7% लोग गरीब हैं। 132 करोड़ का 60% होता है 80 करोड़। अब बात करते हैं कोरोना की, जो कि जनता की सेहत से ताल्लुक रखता है। कोरोना से अब तक देश में 92 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं। डेली केसेस भी 40,000 के आसपास चल रहे हैं। ऐसे में सरकार की क्या तैयारी है, ये भी एक सवाल है। अब वैक्सीन भी आने जा रही है, अगर देश में वैक्सीन आ भी जाती है तो वह किसे मिलेगी और किस कीमत पे मिलेगी, ये भी कुछ अहम सवाल हैं। इसको लेकर कुछ सवाल अभिसार ने अपने शो में उठाए हैं। ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप की गई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नंबर एक, दूसरी वैक्सीन फाइजर और तीसरी वैक्सीन मॉडर्ना, इन तीनों वैक्सीन पर लोगों की उम्मीदें हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डेवलप हुई है वो भारत में उपलब्ध होगी दिसंबर के महीने से। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये काम किस तरह से करेगी। ये हर वैक्सीन जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इस हर वैक्सीन में हमें दो डोसेज की जरूरत पड़ेगी और इन दो डोसेजेस के बीच में एक महीने का फर्क होगा। यानी कि अगर आप ये वैक्सीन लगाते हैं जनवरी के महीने में, पहला डोजेज आपको अगर जनवरी के महीने में मिलता है तो दूसरा डोजेज आपको मिलेगा फरवरी के महीने में। चुनौती नंबर एक, 130 करोड़ की आबादी को यह डोज देना क्या संभव है? चुनौती नंबर दो, दो डोजेज आखिर कैसे दिया जाएगा? अब इन मुद्दों से देश में क्या कुछ हो रहा है इसका अंदाजा तो आप सबको हो ही गया होगा। और मीडिया ने हमें किन मुद्दों में उलझा रखा है, हिंदू मुस्लिम और कश्मीर या फिर पाकिस्तान, यह आपको तय करना है कि आपको किस मुद्दे को अपने लिए जरूरी समझना है। Bureau Report, Punjab Today TV. If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.